आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज अबाउट दी इंटर कन्वर्जन ऑफ द यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन। प्रीवियस टॉपिक्स में हमने बेसिकली पांच डिफरेंट जो से थे यूनिट्स हमने स्टडी किए थे। वो कौन कौन से थे उनको मैं यहाँ पे जनता है दोबारा से लिख देता हूं। नंबर वन वाज द परसेंटेज कंपोजिशन, जिसमें हमने देखा था कि वेट वेट कंपोजिशन होती है, वेट वॉल्यूम कंपोजिशन होती है, वॉल्यूम वेट कंपोजिशन होती है और वॉल्यूम वॉल्यूम कंपोजिशन होती है। ये चार के बारे में हमने स्टडी किया था। दूसरी चीज जो हमने देखी थी एज अ यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन वो थी जी मोलैरिटी। आपके पास मोलैरिटी के टर्म्स में आप अपना जो कंसंट्रेशन है उसको रिपोर्ट करते हैं। नंबर थ्री वाज मोलैलिटी, और इनको हमने डिटेल में विद एग्जांपल स्टडी किया था। मोलैलिटी होती है जी नंबर ऑफ मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, और ये होते हैं जी मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल्स एन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। फिर हमने जो चौथी चीज पढ़ी थी वो थी मोल फ्रैक्शन, और पांचवी चीज जो हमने पढ़ी थी वो थी जी पार्ट्स पर मिलियन। तो ये पांच हमने जो सी थी कंसंट्रेशन के यूनिट्स पढ़े थे, या कंसंट्रेशन जिन जिन टर्म्स में रिपोर्ट की जाती है वो हमने पढ़ी थी। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि सम टाइम्स आपने फॉर एग्जांपल एक इंडस्ट्री से एक केमिकल इम्पोर्ट करवाया, वो केमिकल के ऊपर जो स्पेसिफिकेशन गिवन थी वो उसने दिया हुआ था आपको वेट पर वेट, जो है वेट वेट वॉल्यूम परसेंटेज आपको गिवन थी। उसके अंदर फॉर एग्जांपल लिखा था जी कि अगर ये आपने फॉर एग्जांपल H2SO4 एक जगह से मंगवाया, तो उसने कहा जी कि ये जो H2SO4 मैं आपको दे रहा हूँ ये 98% है, इसकी वेट वेट कंपोजिशन क्या है 98% है। आपने ये H2SO4 को मंगवा लिया, अब आपने अपने एक्सपेरिमेंट में इसको इस्तेमाल करना है, और आपका एक्सपेरिमेंट आपको कहता है कि जो सॉल्यूशन आपको H2SO4 का डालना है वो 0.5 मोलर होना चाहिए। आपको 0.5 मोलर सॉल्यूशन चाहिए H2SO4 का। अब ये नई कंसंट्रेशन आपके एक्सपेरिमेंट की रिक्वायरमेंट मोलैरिटी में है, आपको मोलैरिटी की टर्म्स में H2SO4 चाहिए, लेकिन आपको जो सप्लायर ने केमिकल प्रोवाइड किया उसने आपको मोलैरिटी नहीं दी, उसने आपको वेट वेट परसेंटेज दी। तो अब ये आपके लिए एक नया मसला पैदा हो गया। तो इस मसले को ख़त्म करने के लिए आपको वो तरीका आना चाहिए कि जिस तरीके से आप वेट वेट कंपोजिशन को मोलैरिटी में कन्वर्ट कर लेंगे, इसके यूनिट्स को आपस में कन्वर्ट कैसे करेंगे, वो मेथड आपको अगर पता होगा तो आपको कोई भी यूनिट्स दे दिया जाए तो आप अपने रिक्वायर्ड यूनिट्स में बड़ी आसानी से चले जाएंगे। सिमिलरली वही केमिकल प्रोवाइडर आपको मोलैरिटी दे सकता है, वो कहता है जी कि आपका जो केमिकल मैं आपको दे रहा हूँ ये 2 मोलर है, लेकिन आपको एक्सपेरिमेंट की रिक्वायरमेंट आपको कहती है जी कि आप इसकी 50% जो है वेट वेट कंपोजिशन वाला सोल्यूशन बनाएं, तो फिर वही मसला है। लेकिन अगर आपको मोलैरिटी से वेट वेट में या वेट वेट से मोलैरिटी में जाने का तरीका पता होगा तो आप उसको बड़े प्यार से जो है वो सॉल्व कर लेंगे और आपका रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी हो जाएगी। सिमिलरली मोलैरिटी हो गई ये सारी चीज़ें आपस में इंटर कन्वर्टेबल हैं, और उसकी इंटर कन्वर्जन आपने कैसे करनी है आज का टॉपिक हमें ये बताएगा। इस केस में आपकी बुक में 3 एग्जांपल्स मौजूद हैं और हम उन तीनों एग्जांपल्स ही को लेकर आगे चलेंगे। एग्जांपल नंबर 6 जो आपकी बुक की है वो ये कहती है जी कि कैलकुलेट द मोलैलिटी। मोलैलिटी आपको कैलकुलेट करनी है और आपको NaCl का सॉल्यूशन दे दिया गया है, और वो कहता है जी कि ये सॉल्यूशन है आपके पास 8% वेट वेट, इसकी जो कंपोजिशन है वो 8% बाय वेट है, आपको मोलैलिटी फाइंड करनी है। मोलैलिटी की डेफिनेशन क्या है जी, नंबर ऑफ मोल्स पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, ये डेफिनेशन है। आपने अपनी इस इंफॉर्मेशन से नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं और केजी ऑफ सॉल्वेंट निकाल के इसको डिवाइड करेंगे तो मोलैलिटी हमारे पास निकल आएगी। अब सबसे
पहले हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स किसके, NaCl के, इस इंफॉर्मेशन से। इस इंफॉर्मेशन का मतलब है 8% वेट वेट NaCl का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है जी कि 8 ग्राम्स NaCl प्रेजेंट हैं 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। अगर आप वेट वेट की डेफिनेशन याद करें जब हमने परसेंटेज समझी थी, तो वो होता था जी नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन। तो 8% वेट वेट NaCl का मतलब हो गया जी कि 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर 8 ग्राम NaCl मौजूद है। अब 8 ग्राम NaCl मौजूद है 100 ग्राम सॉल्यूशन में, तो मेरे पास n क्या होता है, n होता है नंबर ऑफ मोल्स। तो 8 ग्राम से मैं नंबर ऑफ मोल्स निकाल लूंगा, n इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास, ठीक हो गया। अब मोलर मास जो है हमारे पास वो NaCl का कितना होगा। NaCl का मोलर मास होता है जी 23 सोडियम का, क्लोरीन का 35.5, तो ये हो जाता है जी 58.5, और मास कितना है 8 ग्राम्स। तो 8 डिवाइडेड बाय 58.5, तो ये आंसर आ गया 0.1367 मोल्स। पहला काम जो था नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने वाला, मोलालिटी चाहिए, तो उसके इक्वेशन में पहली चीज हमने फाइंड आउट कर ली। अब दूसरी चीज है सोलवेंट के किलोग्राम्स चाहिए, इसके जी के कितना सोलवेंट हमारे पास मौजूद है। अब 100 ग्राम्स थे हमारे पास सॉल्यूशन के, और सॉल्यूशन आपके पास बराबर होता है सोलवेंट प्लस सॉल्यूट के, ऐसे ही है। सोलवेंट का हमें नहीं पता कितना है, जबकि सॉल्यूट उसके अंदर 8 ग्राम है और सॉल्यूशन मेरे पास 100 ग्राम था। तो सोलवेंट मेरे पास निकल आएगा यहां से 100 माइनस 8 इज इक्वल टू 92 ग्राम्स। 92 ग्राम्स इज द मास ऑफ सॉल्वेंट जो कि वाटर है, लेकिन मुझे सॉल्वेंट का मास चाहिए इन किलोग्राम्स, तो मैं इस 92 को किलोग्राम्स में ले जाऊंगा। तो 92 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये हो जाएगा जी 0.092 केजी। अब मेरे पास एन भी मौजूद है और केजी ऑफ सॉल्वेंट भी मौजूद है, तो अब इन दोनों वैल्यूज को मैं इस्तेमाल करूंगा इस इक्वेशन के लिए और मेरे पास अपनी रिक्वायर्ड वैल्यू निकल आएगी। तो मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय द किलोग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स मेरे पास निकले हैं जी 0.1367 और किलोग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास निकले हैं 0.092 केजी। इसको जब मैं डिवाइड करूंगा तो मेरे पास मोलैलिटी आ जाएगी 1.487 मोल्स पर केजी। तो दिस इज द मोलैलिटी जो कि हमसे मांगी थी। हमें 8% वेट ओवर वेट दिया था NaCl का, और वहां से हमने उसकी 1.487 मोलैलिटी निकाल ली। तो ये इंटर कन्वर्जन का एक मेथड था जो कि आपको काफ़ी हेल्पफुल होता है हमारी एनालिटिकल केमिस्ट्री में। तो ये एग्जांपल फर्स्ट थी इस टॉपिक की। सेकंड एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं जो कि है हमारे पास एग्जांपल नंबर 7। एग्जांपल नंबर 7 में वो कह रहे जी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज अवेलेबल इन लेबोरेटरी, HCl जो है वो 36% वेट बाय वेट मौजूद है। इसकी जो डेंसिटी है वो भी उसने दे दी है कि डेंसिटी ऑफ HCl इज 1.19 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डिटरमिन द मोलैरिटी। अब आपको मोलैरिटी चाहिए। मोलैरिटी अगर आप याद करें तो ये होती थी जी n डिवाइडेड बाय डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है जी। अब डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन और हमें वेट गिवन है, तो कभी भी आपको पता हो कि मास से वॉल्यूम में जाना हो तो डेंसिटी रिक्वायर होती है, इसलिए उसने डेंसिटी भी आपको दे दिया जो कि भी आगे चल के इस्तेमाल होगी। अब हम चलते हैं जी इसके सॉल्यूशन की तरफ। वो ये कहता है कि 36%
HCl का क्या मतलब है कि मास ऑफ HCl कितना है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर, 36 ग्राम, और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है पूरा, वो आपने 100 ग्राम जो है वो लिया हुआ, जो कि आपकी बेसिस है। 36% वेट ओवर वेट का मतलब है जी कि 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर 36 ग्राम HCl आपके पास मौजूद है। अब मोलैरिटी के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, मोलैरिटी के लिए आपके पास होना चाहिए 1 डेसीमीटर क्यूब का वॉल्यूम। वेरी सी बात है कि फाइनल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मोलैरिटी के केस में क्या होता है, ये डेसीमीटर क्यूब होता है ना, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब आपके पास आपका फाइनल वॉल्यूम होता है मोलैरिटी के केस में। इस वॉल्यूम को आप कन्वर्ट करेंगे मास के अंदर, और वो मास में कैसे कन्वर्ट होगा, दिस इज वॉल्यूम, और इससे आपने जाना है ग्राम्स के अंदर, मतलब मास के अंदर। अब मास होता है बराबर वॉल्यूम इनटू डेंसिटी के, तो मुझे एम चाहिए बेसिकली, तो मैं क्या करूँगा मास निकालने के लिए, मैं उसके वॉल्यूम को जो कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब था उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा उसकी डेंसिटी के साथ जो कि 1.19 गिवन थी, तो ये मेरे पास हो जाएगा 1190 ग्राम्स मास। किसका मास आया, 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन का। ठीक हो गया, यहाँ तक हमारे पास दो चीज़ें मौजूद, एक चीज़ मौजूद है जो कि हमारे पास 1000 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन का मास हमारे पास मौजूद है। अब हम चलते हैं अपनी कैलकुलेशन की तरफ। आपको पता है कि 100 ग्राम HCl सॉल्यूशन के अंदर HCl कितनी है, 36 ग्राम्स, इतनी मौजूद है। 1 ग्राम के अंदर कितनी होगी, ये हो जाएगी जी 36 डिवाइडेड बाय 100, ऐसे ही होगा। और टोटल हमारे पास मास कितना है सॉल्यूशन का, हमारे पास 1190 ग्राम्स, जो कि हमारे पास पूरे 1 डेसीमीटर क्यूब का मास है। तो 1190 ग्राम्स ऑफ HCl सॉल्यूशन में HCl कितना होगा, तो 1 के अंदर 36/100 था, तो 1190 के अंदर उसको मैं 1190 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास निकल आएंगे जी ग्राम्स ऑफ HCl जो के हैं 428.4 ग्राम्स, और ये किस में है, इन 1190 kg ऑफ सॉल्यूशन। 1 डेसीमीटर क्यूब के सॉल्यूशन के अंदर मुझे पास इतने ग्राम्स निकल आए। मोलैरिटी हमें फाइंड आउट करनी है, मोलैरिटी होती है हमारे पास n ओवर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। अब डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन के अंदर हमें n चाहिए थे, n कैसे निकलता है, n बराबर होता है मास ओवर मोलर मास के लिए। मोलर मास HCl का हम उसके फॉर्मूले से निकाल लेंगे, सवाल पैदा होता था m का, और ये सारी कैलकुलेशन हमने की है इस m के लिए जो कि हमारे पास 428.4 ग्राम्स निकला है। तो अब यहाँ से मैं नंबर ऑफ मोल्स निकाल लूंगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl जो उनसे हैं प्रेजेंट वो कितने होंगे, 428.4 ग्राम, उसके मास को मैं डिवाइड कर दूं उसके मॉलिक्यूलर मास से। HCl का मॉलिक्यूलर मास होता है जी 36.5, क्लोरीन का 35.5 और एक हाइड्रोजन का। ये जब इससे डिवाइड होगा तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे जो कि क्या है, 11.73 मोल्स। तो पता ये चला जी कि 1 डेसीमीटर क्यूब के अंदर उसके 11.73 मोल्स हैं, तो हम कहेंगे जी सॉल्यूशन इज 11.73 मोलर, और आपके पास क्या निकल आया, उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी। तो आपको 36% वेट बाय वेट HCl गिवन था, तो आपने उसकी 11.73 मोलर मोलैरिटी जो है वो निकाल ली थ्रू दिस इंटर कन्वर्जन। तो ये दूसरी कन्वर्जन थी जिसमें हम वेट वेट से गए मोलैरिटी के अंदर।
सिमिलरली अब हम उल्टा इसका काम करेंगे, अगली एग्जांपल में हमें मोलैरिटी गिवन होगी और हम वेट वेट पर उसमें जो है वो जाएंगे। तो एग्जांपल नंबर एट, एग्जांपल नंबर एट ऑफ योर बुक सेज के 9.2 मोलर HClO4 इज अवेलेबल फ्रॉम द मार्केट। द डेंसिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन, डेंसिटी इज 1.54 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। व्हाट इज द परसेंटेज बाय वेट, वेट वेट परसेंटेज आपसे मांगी गई है। अब आपने उल्टा काम करना है, मोलैरिटी गिवन है और आपने वेट वेट परसेंटेज में जो है वो जाना है। अब हम क्या करेंगे, हम एक डेसीमीटर क्यूब का मैथ निकालेंगे सेम उसी तरीके से जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। हमारे पास एक डेसीमीटर क्यूब होगा, अगर बेसिकली मोलैरिटी का मतलब है कि आपके पास वॉल्यूम मौजूद है और जाना आपने किस में है, वेट वेट में। तो आपने बेसिकली डेसीमीटर क्यूब से मैस में जाना है, आपने वॉल्यूम से मैस में जाना है। तो मैस मुझे चाहिए, तो मैस बराबर होता है वॉल्यूम इंटू दी डेंसिटी। तो डेंसिटी मेरे पास गिवन है जो कि 1.54 है और वॉल्यूम मेरे पास एक डेसीमीटर क्यूब का होगा जो कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है माइंड में कि भाई वॉल्यूम मेरे पास एक डेसीमीटर क्यूब है तो मैंने 1 डेसीमीटर क्यूब क्यों नहीं लिया, मैंने सेंटीमीटर क्यूब 1000 क्यों ले लिए, मैंने उसके यूनिट्स को डेसीमीटर क्यूब क्यों नहीं रखा। तो उसकी वजह ये है कि आपके पास डेंसिटी के यूनिट में सेंटीमीटर क्यूब मौजूद है, तो आप उसको सेंटीमीटर क्यूब ही में लेंगे ताकि वो उसे कैंसिल आउट हो जाए। ये होगा जी 1000 सेंटीमीटर क्यूब और डेंसिटी आपके पास है 1.54 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। ये सेंटीमीटर क्यूब इससे कट जाएगा तो मेरे पास आंसर 1540 ग्राम्स में आ जाएगा। तो अब मेरे पास एक डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन का मैस आ चुका है जो कि क्या है, 1450 ग्राम। अब मैस मेरे पास मौजूद है और नंबर ऑफ मोल्स के लिए मुझे क्या चाहिए होते हैं, मैस ओवर मोलर मैस। मैस मेरे पास है जी 1540 ग्राम्स। मोलर मैस जो होगा इसका HClO4 का वो कैसे निकलेगा, हाइड्रोजन का 1 प्लस क्लोरीन का 35.5 और प्लस ऑक्सीजन का 16 × 4, तो ये सारा हो जाएगा जी 100.5। अब आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन था 9.2 मोलर, इसका मतलब है कि 9.2 मोल्स मौजूद हैं एक डेसीमीटर क्यूब में, मैंने जाना है वेट वेट के अंदर। अब वेट वेट के अंदर जाने का मतलब है कि मुझे इसका भी वेट चाहिए और मुझे इसका भी वेट चाहिए। एक डेसीमीटर क्यूब का वेट हम निकाल आए हुए हैं जो कि है 1540 ग्राम। अब 9.2 मोल्स के अंदर कितना मैस होगा, तो n इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। n हमारे पास मौजूद है 9.2 मोल्स इज इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस जो कि 100.5 है। ये 100.5 जब 9.2 से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास मैस आ जाएगा जो कि होगा जी 924.6 ग्राम्स। दिस अब सिंपल, यहाँ पे इसको मैं दोबारा से रिपीट कर दूँ, हमारे पास गिवन थी मोलैरिटी, मोलैरिटी का मतलब है जी 9.2 मोल्स एक डेसीमीटर क्यूब में और मांगा क्या हुआ है, वेट बाय वेट। तो मुझे वेट बाय वेट का क्या मतलब है कि सोल्यूट का वेट चाहिए और सोल्यूशन का भी वेट चाहिए। सोल्यूशन का वेट एक डेसीमीटर क्यूब था बाय डेफिनेशन मोलैरिटी का, एक डेसीमीटर क्यूब का वेट मैंने निकाल लिया और 9.2 मोल्स में कितना वेट होगा, कितने ग्राम्स होंगे HClO4 के, वो मैंने निकाल लिए यहाँ से इस फॉर्मूले से।
और वो मेरे पास आ गई ये। अब मैं इन दोनों को जब डिवाइड करूंगा तो मेरे पास वेट वेट परसेंटेज आ जाएगी। तो वेट वेट परसेंटेज क्या होती है? ये होती है जी मैस ऑफ सोल्यूट, मैस ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय द मैस ऑफ सोल्यूशन, और परसेंटेज है तो मल्टीप्लाई बाय 100। अब मैस ऑफ सोल्यूट 9.2 मोल्स में कितना मैस था वो भी हमने निकाला, जो कि कितना था जी 924.6 ग्राम्स। और मैस ऑफ सोल्यूशन हमने 1 डेसीमीटर क्यूब का उसकी डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके निकाल लिया था, जो कि था 1540 ग्राम्स, और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 100 से, तो मेरे पास आ जाएगा जी 60.13। तो मैं कहूँगा जी ये जो मेरे पास सोल्यूशन है ये 60% वेट बाय वेट HClO4 का सोल्यूशन है। तो आपने एक मोलैरिटी से क्या किया, वेट वेट परसेंटेज में आ गया। तो ये तीन एग्जांपल्स थी जो कि इंटर कन्वर्जन ऑफ द यूनिट्स के ऊपर डिपेंड कर रही थी, और ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके न्यूमेरिकल्स में और आपकी एक्सरसाइज को जब सॉल्व करेंगे। तो ये प्रैक्टिस जोन सी है कि आपको एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कैसे जाना है, ये बहुत ही ज़रूरी है, और इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको इस चैप्टर की एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट जोन से हैं आपके क्लियर हैं। तो यहाँ तक पे हमने जो है अपने इस चैप्टर की बेस अब हमने सेट कर ली है, अब हम आगे मजीद डिफरेंट टॉपिक्स के अंदर डिटेल में इस चैप्टर को स्टडी कर सकेंगे। तो ये हमारा आज का टॉपिक था।